क्या तुम जल्दी करोगी? हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओप्स, मैं बस तैयार हूँ। बस एक सेकंड रुको, बस बैकपैक को पैक करना बाकी रहता है। जल्दी करो, बस हमारे बिना चली जाएगी। मैं आ रही हूँ, ठीक है? मैं बस कुछ और सामान ले रही हूँ। अगर हम अपनी फ्लाइट मिस कर देंगे तो हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी करो जूल्स, जल्दी करो, मैं आ रही हूँ। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये कैसा मजाक है? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो जोश, ये क्या हुआ? बैकपैक फट गया। लगता है हमें कैंपिंग ट्रिप को भूलना होगा, पर जूलिया को हारने की आदत नहीं है। खैर खैर, यहाँ वर्कशॉप में क्या है? बस ग्लू के कुछ बूंदों से बैकपैक पहले जैसा नया हो जाएगा। शायद नहीं, ये बकवास आइडिया है। आउट, आज मेरी किस्मत अच्छी है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बढ़िया आइडिया है। लकड़ी के स्लेट्स, साथ में भारी कार्डबोर्ड की शीट, ये और बेहतर लग रहा है। मैं पोर्टेबल बॉक्स हाउस बनाने वाली हूँ। हाँ, बात करने का टाइम नहीं है, चलो काम शुरू करें। मुझे स्क्रू ड्राइवर दो। आपको कॉर्नर और सेल्फ टेपिंग स्क्रूज की भी जरूरत होगी। चलो एक सॉलिड फ्रेम बनाकर शुरुआत करें। इसमें स्क्रू डालें और ये तैयार है। ये बहुत आसान था। हमने कंस्ट्रक्शन के लिए सारे हिस्सों को तैयार कर लिया है। इस तरह हमें अब सैंड पेपर से सरफेस को ठीक करना है। अब स्प्लिंटर्स नहीं है, बढ़िया। अब बनने वाले घर की दीवारों को तैयार करना है। ये कार्डबोर्ड शीट बढ़िया रहेगी। बेहतरीन स्क्रू ड्राइवर फिर से अपना जादू दिखाएगा। क्या होगा अगर बारिश हो जाए? छत आपको बारिश से बचाएगी। बस थोड़ा सा काम और ये तैयार है। और बिना खिड़कियों के कौन सा घर बनेगा, है ना? पर पहले आपको हर चीज नापनी होगी। ये बढ़िया है, चार स्क्वायर्स। चलो इसे काटना शुरू करें। खैर खैर, चलो देखें हमें क्या मिला है। चलो देखें, यहाँ से लाइट आएगी। और अब पेंट की बारी है। रेस्पिरेटर को रखना जरूरी है। हम पेंट करना शुरू कर सकते हैं। पिंक मेरा फेवरेट कलर है, पर सिर्फ इतना ही नहीं। हे दोस्तों, मुझे बस इसी की जरूरत थी। हमारे ग्लव्स पहन लेते हैं, ये मेरे नेल्स को साफ रखेंगे। फोम स्पंज में थोड़ा एक्रिलिक पेंट डाल दे। स्पंज को दीवार पर डालने से रंगीन ब्रिक बन जाएगा। वाह, क्या ये शानदार नहीं है? ये बहुत सुंदर लग रहा है। आखिरी लेवेंडर ब्रिक तैयार है, पर विंडो फ्रेम तैयार करना ना भूले। व्हाइट हमेशा से शानदार रहा है, बेहतरीन। चलो कुछ और डिटेल्स जोड़े। पॉट्स में फ्लावर्स रखने से ये और भी बेहतरीन लगेगा। इन्हें बाइंडर क्लिप से लगाएं। बस एक मिनट, मैं तो भूल ही गई थी, झाड़ू या ट्यूल, कौन सी चीज बेहतर रहेगी? झाड़ू के स्टिक से हर चीज निकाल दो। बिंगो, बढ़िया, कर्टन रॉड तैयार है। और अब हम शार्क कर्टन और एयरी ट्यूल से रिंग्स को निकालेंगे। ट्यूल को रिंग से बांधे, कर्टन को रॉड पर लटकाए। जूस, तुम सच में बेहतरीन डिजाइनर हो। ये बहुत आसान है, आपको बस आम प्लास्टिक हैंगर की जरूरत है या उसका टॉप का हिस्सा। हमने हुक्स को पसंदीदा कलर से पेंट किया है और उनको दीवार पर हॉट गन से चिपका दिया। लेज को हुक से बांधे और ये तैयार है। गुड मॉर्निंग दुनिया वालों, कितना सुंदर लग रहा है। अब दीवारों को सजाया जाए, फेवरेट पोस्टर्स अच्छे रहेंगे, चमकदार कलर्स आपका दिल खुश कर देंगे। दूसरी दीवार को पेपर गार्लैंड से सजाया जाए। डोनट्स खाना हर किसी को पसंद होता है, इनको ड्राइंग पिन से लगाएं। बॉक्स हाउस लगभग तैयार हो चुका है, पर इसमें जरूर कुछ दरवाजे लगाए जा सकते हैं। हम काम शुरू कर रहे हैं। हम इन्हें ड्रिल और मूवेबल कॉर्नर्स के साथ फिक्स करेंगे। मुझे हर काम आता है, पर ये क्या है? क्या जूलिया अपना स्ट्रेस दूर करना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास बेहतर आइडिया है। पॉप ट्यूब को काटा जाए, इसे मोड़कर दरवाजे पर जोड़ें, ताकि ये हैंडल को खत्म कर सके। इस तरह से घर पर जरूरत का सारा सामान होना चाहिए, जैसे कि मच्छरों के लिए नेट। हम ट्यूल को स्टेपलर से फर्नीचर में जोड़ेंगे, पर अभी पेस्ट के आने की उम्मीद नहीं है, इसलिए रिबन से बो तैयार किया जाए। कर्टेंस को बांधकर बोस के साथ सजाएं। ये घर शानदार लग रहा है। खैर, अब इसे लेकर चलते हैं।
जूलिया अब आराम कर सकती है। एक दो और इसे उठाओ, हमने कर दिखाया, चलो घूमने चले। जूलिया का पोर्टेबल बॉक्स हाउस काफी बेहतरीन लग रहा है और ये बहुत भारी भी है सच कहूँ तो। ये अच्छी जगह है, मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। बाहर निकलकर बहुत अच्छा लगता है और अभी घर में फर्नीचर की कमी है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे जूली के माहिर हाथ ना कर पाए। मोटे कार्डबोर्ड से नोचेस वाले हिस्से को काटे, हमारे पास शानदार वर्क पीस है। सारे हिस्सों को आपस में पजल की तरह जोड़े और ये तैयार है। कुछ और हिस्सों को जोड़े, ये बढ़िया है। थोड़ा इंतजार करें और एकदम शानदार टेबल तैयार है। चलो पेंटिंग शुरू करते हैं। मेंट शेड एकदम नया लग रहा है। आखिरी काम बस क्लियर प्लास्टिक काउंटर टॉप को लगाने का है। जब आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपको भूख लग सकती है। आपको टेस्टी लंच के लिए बस फॉयल मोल्ड और थोड़े चारकोल की जरूरत है। बाहर खाना खाने से ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। अब हम वुडन स्क्यूअर्स को लेंगे और उनको मोल्ड की लंबाई के मुताबिक बांधे। कितना बढ़िया फ्लेवर है। आज मेन्यू में ग्रिल्ड सैंडविचेस है। आपको गैस बर्नर का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। जब तक कोल्स तैयार हो रहे हैं, आप कुकिंग शुरू कर सकते हैं। यम्मी यम्मी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब सैंडविचेस को दूसरी तरफ कर देना चाहिए। मामा मिया, ओह ये बहुत स्वादिष्ट है। घर के बाहर मेकअप करना मुश्किल होता है, पर जूलिया के पास कैंपिंग लाइफ हैक है। बॉक्स को लिड और चमकदार फोम शीट से सजाएं, फिर लंबे टुकड़े को इस तरह से फोल्ड करें। इसे तैयार करके बॉक्स के नीचे लगाएं। इसमें पार्टीशन डालें इस तरह। ये लगभग तैयार है। मिरर को लिड से चिपकाएं। ब्यूटी ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल करने के लिए अब आप अपने पसंदीदा मेकअप को अपने पास रख सकते हो और अब आपका ज्वेलरी कलेक्शन गुम नहीं होगा। अब थोड़ा मेकअप किया जाए। ला 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 ला। हमेशा की तरह सुंदर लग रही हो। जूलिया को अपना नया घर पसंद है, पर इसमें अभी भी फर्नीचर की कमी है। ट्रायंगल ब्लैंक्स काम आ सकती है। सभी हिस्सों को आपस में जोड़ें। हमें ऐसे तीन पीसेस की जरूरत है और बिना आरामदायक सीट के चेयर का कोई फायदा नहीं होगा। मैं इसे ट्राई करने का इंतजार कर रही हूँ। आप अपनी पसंदीदा बुक पढ़ते हुए वक्त बिता सकते हो या थोड़ी देर के लिए। हाँ, आज कितनी तेज धूप है। लगता है जूलिया अपने लेग्स को स्ट्रेच करना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो हुला हूप को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। कुछ सेकंड्स में टेंट के लिए बेस तैयार है और ये बार्स इसे खड़ा करने में मदद करेंगे। लकड़ी को ग्राउंड में डालकर अच्छी तरह से तैयार करें। मुझे लगता है ये इस तरह सेफ रहेगा। हम हुला हूप को आम स्कॉच टेप से बांधेंगे और हम इसे बदलने के लिए बाथरूम के पुराने कर्टन का इस्तेमाल करेंगे। इन्हें बाइंडर से बांधे। इसे टेंट पर उड़ाकर आप शेड्स के मजे ले सकते हैं। आह, ये कितना अच्छा है ना। हर शानदार चीज आसान होती है। अब धूप आपको आपकी पसंदीदा बुक पढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो मैं क्या पढ़ रही थी? नेचर में बिताया गया दिन खत्म होने को आया है और इसका मतलब अब सोने का इंतजाम करना होगा। चलो स्लीपिंग बैग तैयार करते हैं। गर्म प्लाट और सुई धागे से ये परेशानी दूर हो सकती है। प्लाट के दोनों एजेस को आपस में सिले। हो गया, चलो एक पिलो बनाते हैं। थोड़ी इमेजिनेशन और कुछ पॉलिस्टर का इस्तेमाल करके बेहतरीन चीज तैयार की जा सकती है। फेस लगभग तैयार है। ब्लैक फेल्ट से मजेदार आईज और नोज को तैयार करें। हे दोस्त, अब सोने का वक्त हो चुका है। तुम्हारे सपने में बहुत सारे गुडीज आए। जूलिया को हर चीज परफेक्ट चाहिए। अच्छी बात है कि बॉक्स हाउस को मोड़ना आसान है। हो गया, हम चमकदार नजारे के लिए तैयार है। कितना सुंदर है। वाओ, सीलिंग पर खिड़की, इससे बेहतर क्या हो सकता है। ऐसा लगता है कि सितारों भरा आसमान आपकी हथेली पर आ चुका है। पर ये क्या है? टूटता हुआ तारा? कोई विश मांगो। हेलो नया दिन। पहली रात वाली कैंपिंग ट्रिप अच्छी रही। मुझे लगता है कैबिन को पहले जैसा करना चाहिए। जूलिया को सच में कैंपिंग लाइफस्टाइल पसंद है। वो हो, वाह, जरा सुनिए मिस,
क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं? दोस्तों, तुमसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ आओ। हे भगवान, यहाँ तो बहुत सारी जगह है। क्या ये सब तुमने खुद किया है? वाओ, ये तो किसी भी लड़की के लिए जन्नत से कम नहीं है। मुझे बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर इसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा। हमारे पास एक दूसरे को बताने के लिए बहुत सी बातें हैं।